हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसकेके एग्जाम स्टडी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़कर क्या है सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडियन जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि क्या है, जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी से संबंधित है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ से क्या है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या है टॉपिक पर आ जाते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप सच में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जो हमारा संविधान है उससे संबंधित हम क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जानकारियां हैं वो जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है वो क्या है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या है जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था। देखो दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, वो क्या है बिल्कुल जो नीचे निचली जाति है, देखो मैं जाति जो व्यवस्था है उसको खत्म किया जाना चाहिए और वो धीरे धीरे क्या है खत्म भी होगी आने वाले समय में। लेकिन जो जाति व्यवस्था है वो क्या है, वो पुराने समय में जब ये संविधान बना हमारे देश का, ये क्या है एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस व्यक्ति ने हमारे देश का संविधान लिखा, जिससे क्या है भारत के लोगों की पहचान अनेक जो हमारे दूसरे देश है वहां होती है, उस व्यक्ति को क्या है बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा जाता है, उसको छोटा समझा गया। लेकिन उसने क्या है सिद्ध कर दिया कि जाति के आधार पर क्या है व्यक्ति छोटा नहीं होता, ठीक है, अपने कर्म के आधार पर क्या है जो आदमी काम करता है उसके आधार पर क्या है उस व्यक्ति को जाना जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या है भीमराव अंबेडकर जी ने क्या है जो काम किया है वो क्या है इतिहास के पन्नों में बहुत ही बड़ा काम है। उन्होंने क्या है जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको क्या है एक बनाने का काम किया है। उनके जन्मदाता क्या है, वो क्या है भारतीय संविधान के जन्मदाता या जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन निकला है। नेक्स्ट देखो, किसने लिखा, अभी आपको शायद नहीं पता होगा, आपको ये तो पता है कि जो संविधान के निर्माता हैं, जो संविधान के जनक हैं, जो संविधान के पिता हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ये संविधान है वो किसने लिखा है, नहीं पता। इस संविधान को लिखने का, जो ये संविधान है इसको लिखने का कार्य किया है प्रेम बिहारी रायजादा। इन्होंने क्या है अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में, सुंदर लिखावट के साथ क्या है अपने खुद के हाथ से क्या है दोस्तों संविधान को लिखा है। देखो दोस्तों, संविधान के अंदर क्या है जो भारतीय नागरिक है, संविधान अपने आप बहुत बड़ा संविधान है हमारा, बहुत ही बड़ा संविधान है। और मैं कभी आप कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, कि जो हमारा संविधान है उसके जितने भी पहलू हैं मैं आपके सामने लेकर आऊं, क्योंकि हर एक भारतीय को ये नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए ही पढ़ना है, हर एक भारतीय को क्या है जो हमारा संविधान है उसके अंदर अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्य को, जो कानून है, उन सभी का ज्ञान होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो आपके लिए, एक तो वीडियो में संभव नहीं होगा क्योंकि जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने क्या है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। देखो दोस्तों, संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरीके से पूछा जा सकता है मैं बता देता हूं कि संविधान को किस भाषा में लिखा गया था, भाषा दे देंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप किस पर टिक करोगे, हिंदी पर करोगे, जो कि आपका क्या है आंसर गलत होने वाला है। यहां पर क्या है दोस्तों, जो संविधान है उसको अंग्रेजी भाषा के अनुसार लिखा गया है। नेक्स्ट देखो, संविधान सभा की पहली बैठक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और उसका जो सभापति है वो कौन था। यहां से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो या नेशनल लेवल का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थाई सदस्य की बात कर रहा हूं। अस्थाई क्या होता है, जो कि परमानेंट ना हो, ठीक है, परमानेंट तो क्या हो गया स्थाई हो गया, और अस्थाई क्या हो गया परमानेंट ना हो। तो दोस्तों, जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो क्या है,
9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उसके जो अस्थायी सदस्य है वो कौन थे, सचिनानंद, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। अब दूसरी बैठक जब हुई ना, तो अब क्या है, जो स्थायी परमानेंट सदस्य चुन लिया गया, ठीक है, जो संविधान सभा का जो परमानेंट सदस्य है ना, उसको चुन लिया गया है, उसको कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर को हुई थी, और पहली बैठक भी देख लो दोस्तों 9 दिसंबर को हुई थी, और जो दूसरी बैठक है वो क्या है, देखो पहली बैठक तो हुई थी 9 दिसंबर को, ठीक है, उसके थोड़े ही दिन बाद क्या है, 11 दिसंबर को। अब आपको क्या है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, यहां पर क्या है, 9 दिसंबर को तो पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को क्या है, दूसरी बैठक हुई थी, 1946 के अंदर हुई थी। अभी नेक्स्ट देखो, संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक भी याद कर लो, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, लेकिन जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको क्या है, 26 जनवरी 1950 के दिन लागू कर दिया गया था। अभी देखो यहां पर संविधान लागू हुआ, नीचे क्वेश्चन भी है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट देखो दोस्तों, संविधान को बनाने में लगा समय, देखो दोस्तों हमारा जो संविधान है उसके अंदर भारतीयों आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जो जितने भी संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, हमारे देश के सभी प्रांतों से, देखो दोस्तों हमारे देश के जितने भी राज्य हैं ना, उन सभी राज्यों से क्या है, जितने भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उनकी सलाह और मंथन, पूरा मंथन करके बनाया है। और दोस्तों जो हमारा संविधान है वो आंशिक रूप से लचीला भी है और आंशिक रूप से क्या है, कठोर भी है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि हमारा संविधान क्या है, जरूरत पड़ने पर कठोर भी है और क्या है, लचीला भी है, यानी कि उसमें क्या है, संशोधन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा संविधान है वो बहुत ही, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो टाइम तो लगना ही है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है हमारे संविधान को बनाने में, ठीक है दोस्तों, काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा है इस संविधान को बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो, भारतीय, भारत गणतंत्र बना, देखो दोस्तों जिस दिन क्या है, जो भारतीय संविधान लागू हुआ उसी दिन से क्या है, जो भारत है वो गणतंत्र बन गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको वैसे भी पता होना चाहिए, मैं तो कहता हूं दोस्तों अपने देश की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जो कि है नहीं, ठीक है, अपने देश की जो जानकारी है ना, जो हमारा संविधान है उससे संबंधित सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, जो संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रगान है वो क्या है, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था, और 24 जनवरी 1950 को ही क्या है, संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था, ये हमारी क्या है, जो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। देखो दोस्तों हमने क्या है, अपनी तरफ से जानकारी देने का प्रयास किया है, और ये एक ही वीडियो नहीं है, मैं धीरे धीरे क्या है, जो जीएस है, इंडियन जीके है, उस पर बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, और जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय ज्ञान है, जो भारतीय परंपरा है, उससे भी आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा, ताकि एग्जाम से हटकर भी आपको क्या है, कुछ नॉलेज मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या है, सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और करने के लिए क्या है, हम आपके साथ हैं, आप अपने कमेंट जो बॉक्स है उसमें अपने सजेशन लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो इसी के साथ क्या है, आपसे अलविदा लेती है, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।